मुरादाबाद, शिवसेना पदाधिकारियों सम्मेलन में जेल भरो आंदोलन की तैयारी। जी आपको बता दें, शिवसेना द्वारा पदाधिकारी सम्मेलन होटल ग्रैंड साई में आयोजित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज बाला साहब ठाकरे जी के चित्र पर माल्यार्पण कर जय भवानी जय शिवाजी के उद्घोष से की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा द्वारा की गई। सम्मेलन में जिला महानगर बाढ़ तहसील व ग्राम स्तरीय उद्योग सेना व्यापार सेना भवानी सेना विद्यार्थी सेना व युवा सेना के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में शिवसेना की विभिन्न इकाइयों ने समाज व संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया, जिनमें संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने, सरकारी विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यों में आम जनमानस की परेशानी एवं जिले स्तर पर संगठन विस्तार पर सभी का ध्यान गया। विद्यार्थी सेना द्वारा पेपर लीक को लेकर अभियान चलाने की बात कही गई, जिस पर शिवसेना जिला कार्यकारिणी ने जेल भरो आंदोलन शुरुआत करने की बात कही। आज के सम्मेलन में वीरेंद्र अरोड़ा, विपिन भटनागर, कमल सिंह राव, मुदित उपाध्यक्ष राजीव राठौर, शिवू पांडे, अरुण ठाकुर, इंद्रजीत सिंह, तिलकराज शर्मा, मधुबाला, शिवू सैनी, भरत अरोड़ा, अशोक सैनी, पंकज पाल, दीपक राजपाल, जितेंद्र पासी, उमेश ठाकुर, विक्की कश्यप, अंकुर टंडन, महेश कुमार आदि सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। लेकिन वहाँ होटलों तक में जगह नहीं थी। आप समझ लो, हम जिस जगहों पे रह रहे थे वहाँ स्थिति ये थी, सब जगह शिवसेना के लोग रह रहे थे। टोटल शिवसेना के लोग, हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर आपके हॉस्टलों में शिवसेना के लोग थे। उसी का प्रमाण था कि शिवसेना के लोग वहाँ पर चुनाव जीते। अब अभी थोड़े से देर पहले मेरे भाई विपिन भाई ने भी, शिब्बू भाई ने भी, मुदित भाई ने भी ये बात नीचे रखा कि हमें संगठन पे जो है कैसे काम करना चाहिए। मैं आप लोगों से नर्म निवेदन कर रहा हूँ, और देखो, समय कभी भी नहीं आता वापस, समय चला जाता। आज हमारी एक लड़ाई, बड़ी लड़ाई माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने भी जीता के जीत के दिखाई। देखिए, उनके पास एक ही संकल्प था कि मेरे पास मेरा शिव सैनिक है। ऐसे मुरादाबाद में ऐसा नहीं कि जैसे शिप्पू भाई ने कही है, 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी भारतीय जनता पार्टी की और विधायक भी अपने बड़े भाई रितेश भाई बने थे, तो आप समझ लो हमारी स्थिति उस समय क्या होगी, मनोस्थिति। क्योंकि देखो, एक तरफ तो हिंदूवादी सरकार, दूसरी तरफ एक नवयुवक, नया लड़का भाई, रितेश भाई की उम्र अब हुई होगी तो मुश्किल से 55 साल की अब हुई होगी, 50 से 55 के बीच में रितेश भाई से, क्योंकि हम सब का काम साथ करे हुए हैं। अब एक जब बन जाता है, हिंदू वाली सरकार बन जाती है, तो उसके बाद अगर हमारे पास टीम नहीं होती, काम करने वाले लोग नहीं होते, और हमारा संगठन में कुछ कार्यक्रम निश्चित ऐसे बड़े हैं, जैसे नवरात्रों का कार्यक्रम, हमारा हरिहर मंदिर का कार्यक्रम, माँ आरतियों के कार्यक्रम, हिंदुत्व के प्रति हमारा हर लड़ाई में लड़ना, उसी लड़ाइयों ने हमें जिता दिया। और हमने जो सड़कों पे आकर के लड़ाई लड़ी, बोलो जो किसानों की लड़ाई लड़ी हो, भले वो हमने नगर निगम के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, भले हमने राज के प्रति कोई भी विषय हुआ उसको गंभीरता से उठाया हो, और उसमें पत्रकार बंधुओं ने भी हम लोगों को जितनी मदद करी, वो भी अपने आप में उसका भी कोई मतलब धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। क्योंकि हमें समाचार पत्रों से लेके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ने शिवसेना को एक अच्छे तरीके से दिखाया, और उसी से लोगों का एक नजरिया बदला। और आज हम जो है मास्टर साहब को तो हराया नहीं, जिस तरह मुदित भाई बता रहे हैं वो भी जीते हुए थे एक तरह से देखा जाए तो। भारतीय जनता पार्टी के सामने 5 प्रत्याशी हम जिता के लाए, 12 प्रत्याशी हमने लड़ाए, और हर प्रत्याशी हमारा दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया हुआ, तीसरे नंबर पर हमारा कोई प्रत्याशी आया नहीं। ये एक बड़ी हमारे पास, उससे हमारे जो है मनोबल बढ़ा, और उस मनोबल से बढ़ने के बाद, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने एक एक शिवसैनिक भाइयों का कि जिन्होंने इतने कठिन समय में शिवसेना को छोड़ा। भाई शिवसेना में तो बहुत भाई, मोदी भाई के भी संपर्क अच्छे, इंद्रजीत जी के भी अच्छे, शिवपुर भाई के भी संपर्क अच्छे हैं, विपिन भाई के भी अच्छे, सभी लोगों के अच्छे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जो, ये तो बात निश्चित है कि अगर आप समाजवादी आएगी, कांग्रेस आएगी, वो भी किसी न किसी तरह तोड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही विषय रहा
कि अगर तोड़ो तो शिवसेना को, उन्होंने आज भी सभासद अगर तोड़ने की कोशिश करी, कांग्रेस के सभासद को नहीं छुआ उन्होंने, उन्होंने समाजवादी के सभासदों को नहीं छुआ, उन्होंने सिर्फ छुआ तो शिवसेना के सभासद। ये शिवसेना ही हिंदुत्व की आवाज उठाती है। शिवसेना ने आज आप देखो कि नगर निगम का जो विषय हुआ, ये बात आप ये देखो कि मेरी स्थिति क्या हुई होगी, मेरा क्षेत्र और यहीं पर जब तोड़फोड़ हुई तो विषय भी ऐसा हुआ। लेकिन ईश्वर की ऐसी अनुपम कृपा, माँ भवानी का ऐसा आशीर्वाद है, पूरे क्षेत्र में जब लड़ाई लड़ी तो आज पूरा क्षेत्र कहता है कि जो लड़ाई बिंदु भाई ने इस स्टेशन रोड क्षेत्र के लिए लड़ ली वो कोई नहीं लड़ेगा। और लेकिन पेपरों ने भी उस लड़ाई को जो स्थान मुझे मिलना चाहिए उससे ज्यादा स्थान हर समय समाचार पत्रों ने मुझे दिया। पदाधिकारी सम्मेलन है, शिवसेना का पदाधिकारियों का एक सम्मेलन है, जिस ये सम्मेलन हर दो महीने में रखा जाता है। शिवसेना किन क्षेत्रों में कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, संगठन कैसे मजबूत होना, क्योंकि शिवसेना हर दो महीने में कोई ना कोई नीतियां बनती हैं, संगठन को किस तरह विस्तार होना, हिंदुत्व के पर किस तरह से काम होना, उन सब विषयों को लेकर के आज शिवसेना के पदाधिकारियों की एक सम्मेलन था, बैठक थी, उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई कि हमें शिवसेना को और अधिक हर घर तक पहुंचाने के लिए, माननीय बाला साहब ठाकरे के विचार घर घर तक पहुंचाने के लिए, हिंदुत्व का भगवा ध्वज घर घर तक पहुंचाने के लिए, अपने शिवसैनिकों के माध्यम से कमजोर गरीब आदमियों की और सरकार की नीतियों के लिए, जो आज जिस तरह से पेपर लीक हुआ उस विषय को उठाने के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, किसानों के लिए किस तरह से लड़ाइयाँ लड़नी है, किस तरह से आंदोलन करने और किस तरह सम्मेलनों के द्वारा हमने आम जनमानस तक अपनी विषयों को रखना, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। और ये तय हुआ है कि शिवसेना अब मुरादाबाद के महानगर में विभिन्न कम से कम 10 सम्मेलन करेगी। काशीराम में सम्मेलन होगा, लाइनपाल क्षेत्र में सम्मेलन होगा, स्टेशन रोड पर सम्मेलन होगा, MDA क्षेत्र में सम्मेलन होगा, इस तरह सम्मेलन होंगे और 10-10 गाँव को जोड़ करके शिवसेना लगातार काम कर रही है। और हमारी ये कोशिश है कि मुरादाबाद जिले की प्रत्येक तहसील से 50-75 गांव जोड़ दिए जाएं और 250 गांव का हम सब लोगों ने संकल्प उठाया, उसमें कांट, ठाकुर द्वारा, बिलारी और महानगर मुरादाबाद के से लगते हुए जितने गांव हैं उन सब में शिवसेना के पदाधिकारी जैसे मुदित उपाध्याय जी हैं, विपिन भटनागर जी हैं, इंद्रजीत जी हैं, अरुण राठौर जी हैं, शिब्बू पांडे जी हैं, शिब्बू सैनी जी हैं, कमल सिंह राव जी हैं, इन विषयों पर चर्चा हुई है। अब ये सारी चीज़ें तैयार करी गई हैं कि किस तरह से कौन से काम कैसे हो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।